तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आसाम में क्यों हो रहा, आसाम में क्यों हो रहा? ये मोदी जी के चेला है, ये मोदी जी के चेला है। हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला, खून जो आज एक हमारे सिपाही का आपने लिया, ये अच्छा नहीं किया। क्या दलित ये चाहते हैं? अगर आप गुलामी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो, अगर आप स्वतंत्रता से रहना चाहते हो, अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हो, नेहरू जी के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, तुम कांग्रेस का साथ। जिस जगह सद्भाव का प्रतीक है उस जगह यहाँ बीजेपी के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं और हमारे लोगों को मारना, धमकाना, कार तोड़ना, फोड़ना ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर एक पत्थर आप मारेंगे तो वही पत्थर आपको भी लग सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ शांति के साथ सभी रहना है और हमारे जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको सफल करने के लिए सभी को मदद करना चाहिए, सहकार करना चाहिए और डराने की कोशिश कोई नहीं करना चाहिए। 15 राज्यों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जाएगी, सबके साथ चर्चा करेगी और राहुल जी हमेशा इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथराबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे, लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी का चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है और ये आदमी इतना ही नहीं हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए, लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है। वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं हम कभी नहीं डरेंगे, ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? इस देश में बीजेपी दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है, हर स्टेट में एक भाषा, एक लीडर, एक चुनाव,
एक विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी, और उनका चेला ये है। अगर आप क्या चाहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी हो या ना हो? डेमोक्रेसी होना चाहिए ना, उसको जिंदा रखना चाहिए ना, संविधान को हम जिंदा रखना चाहिए ना। जब हमको जिंदा रखना है हमको लड़ना होगा। सिर्फ अब जो हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला, अरे खून जो आज एक हमारे सिपाही का आपने लिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। आप अपने आप को ये नीचा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नीचा दिखाते गए तो इस देश में टॉलरेंस कहाँ है? अरे हमारा देश का संविधान ये कहता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड टॉलरेंस। जब ये चीज है, यहाँ तो टॉलरेंस ही नहीं है। हमारे लोग सीधा शांति के साथ प्रोसेशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं। इस हमारे देश विविधता में एकता है, लेकिन एकता को तोड़ने वाले लोग बीजेपी वाले हैं। हम एक बनाते हैं, हम पूर बनाते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर अगर किसी ने पहला पुल बनाया, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। और बड़ी पुल जो बन गई, मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, वो भी कांग्रेस ने बनाई। इतने पुल बनाए और ये सब लिंक आसाम से हो गए, लेकिन अब सिर्फ लोग लूटने के लिए अपने काम कर रहे हैं। कंपनी भी उनकी, स्टील भी उनका, सीमेंट कहां से है मुझे मालूम नहीं, सैंड भी उनका, सब करके वो लोग आज ये काम कर रहे हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए, डैम बनाए, और आज तो ये आसाम ये राइस बॉल बन गया है। और इसीलिए आज खुशहाली के तरफ आसाम आज चल रहा है। क्या ये सब मोदी के जमाने में हुए? बड़े डैम मोदी के जमाने में हुए? आईटी, एम्स, आईआईएम, पब्लिक सेक्टर, ये क्या मोदी के जमाने में हुए? ये सब कांग्रेस के जमाने में नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा गांधी जी ने बनाया, और इसीलिए तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। नेहरू जी कहते थे आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी, उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा में बढ़ने का पूरा मौका पाए। ये विचार जवाहरलाल नेहरू जी का, उसी लिए वो कहते थे आजादी के बाद हमने तीर्थ यात्रा निकाली, इसलिए निकाली पब्लिक सेक्टर्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ये काम हमने किया। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में चलने की जिनको आदत होती है, वही दुनिया को बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदल नहीं सकता। और राहुल जी की विचारधारा, हमारी विचारधारा एक है, और बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की अलग है। इसीलिए अगर हमारे विचारधारा को लेकर लड़ना चाहते हैं और बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी को अगर खत्म करना चाहते हैं,
देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हमारे साथ आओ, तभी देश बचेगा। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा देश है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। तुम कौन होते हो रोकने वाले? लेकिन हेमंत विश्वास शर्मा एक ट्वीट किए थे, क्या ट्वीट किए थे कि भाई ये इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत का उतना अच्छा उच्चार नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग एंड कॉमर्स आर द नेचुरल वर्क्स फॉर दोज विद द क्वालिटीज ऑफ वैश्यास, सर्विंग थ्रो वर्क इज द नेचुरल ड्यूटी फॉर दोज विद द क्वालिटीज ऑफ शूद्राज। यानी दलित समाज, शूद्र समाज, हमेशा हेमंत की सेवा करना, क्योंकि वो ब्राह्मण में आते हैं, और वैश्य की सेवा करना और क्षत्रिया की सेवा करना ये दलितों का काम है। उन्होंने ही कहा, ये मेरे पास उनका कोट है कि यही था, कृषि गौरक्ष वाणिजम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्मातक कर्म शूद्र स्थापी स्वभावजम। यानी ये उन्होंने संस्कृत में करके लोगों को बेखूब बनाया। अरे हम सुपीरियर है हेमंत, मैं सुपीरियर हूं बोल रहा है, और दलित का काम उनके पास काम करने का, उनके नीचे काम करने का। क्या दलित ये चाहते हैं? अगर आप गुलामी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो, अगर आप स्वतंत्रता से रहना चाहते हो, अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हो, नेहरू जी के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, तुम कांग्रेस का साथ दो, कैसा भी वक्त आने दो। और ये दलित के खिलाफ सीएम जो है, पहला काम तुम्हारा होता है इसको गद्दी से हटाना। ये काम आप करके दिखाइए।